मैं कुशल हूं आईसर भोपाल से, और आज हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स कोर्स का मॉड्यूल 2.7 सीखेंगे, जिसमें हम सिग्नल्स और नॉइज के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि उनमें डिफरेंस क्या है। तो नॉइज़ क्या होता है? नॉइज़ एक टर्म है जो कि हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, लेकिन इसका एक थोड़ा टेक्निकल मीनिंग भी होता है जो कि शायद हमारे डे टू डे मीनिंग से थोड़ा अलग हो। तो यूजुअली जैसे क्या होता है कि क्लास में सपोज आप बैठे हैं और कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, टीचर कुछ पढ़ा रही है, और सपोज किसी बच्चे ने शुरू में कुछ बोलना शुरू कर दिया बीच में, तो टीचर क्या कहती है? डोंट क्रिएट नॉइज़। लेकिन क्या ये नॉइज़ है फ्रॉम अ सिग्नल प्रोसेसिंग परस्पेक्टिव? आइए देखते हैं। तो कोई भी सिग्नल जो होता है, हम किसी चीज को सिग्नल कहते हैं यूजुअली टाइम डोमेन में, ऑल्दो ये जरूरी नहीं है, सिग्नल स्पेस डोमेन में भी हो सकता है जैसा कि इमेज प्रोसेसिंग में होता है, लेकिन अभी सिग्नल प्रोसेसिंग कोर्स के लिए हम सिग्नल को टाइम डोमेन में ही मानते हैं। तो सपोज हमारा कोई सिग्नल है एक्स ऑफ टी टाइम डोमेन में, जो कुछ इस तरीके से लग रहा है। लेकिन इसी की जगह पे सपोज मैं एक दूसरा सिग्नल ड्रॉ करूं वाई ऑफ टी, जो आपको इस तरीके से कुछ लगे, तो आपको ये देख के लगेगा कि ये जो वाई ऑफ टी है ये काफी नॉइजी है, लेकिन जो एक्स ऑफ टी है वो काफी स्मूथ लग रहा है। तो यूजुअली अगर हम इंट्यूटिव पर्सपेक्टिव से देखें तो यूजुअली नॉइज वो होता है जो कि बहुत ही रैंडमली फ्लक्चुएट कर रहा हो, जिसमें कोई इनहेरेंट ऑर्डर नहीं हो। लेकिन जो एक्स ऑफ टी होता है वो एक स्मूथ ऑर्डरली वेरिंग सिग्नल होता है। तो यूजुअली हम इंट्यूटिवली ये कह सकते हैं कि जो नॉइज होता है वो होता है एक तरह का रैंडम डिस्टरबेंस। यहां पे ये वर्ड जो रैंडम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मैंने आपको एग्जांपल दिया क्लासरूम का, जहां पे सपोज कोई बच्चा अगर बात कर रहा है क्लास के बीच में, तो ऑल्दो टीचर के पर्सपेक्टिव से वो शायद नॉइज हो सकता है, लेकिन सिग्नल प्रोसेसिंग पर्सपेक्टिव से वो नॉइज नहीं है, क्योंकि वो रैंडम डिस्टर्बेंस नहीं है। वो जो भी बच्चा जो बोल रहा है उसका वो कुछ इंग्लिश में या हिंदी में बोल रहा है, जिसका कोई मतलब भी शायद हो सकता है। तो नॉइज हम सिग्नल प्रोसेसिंग पर्सपेक्टिव से तब कहेंगे जब हमारा जो गिवन जो वाई ऑफ टी है वो रैंडम डिस्टरबेंस है। तो नॉइज भी एक तरह से एक सिग्नल ही होता है, क्योंकि वो भी टाइम एक्सिस पे डिफाइन होता है, उसका भी कुछ एम्पलीट्यूड होता है, लेकिन फिर भी हम उसे नॉइज का टर्म देते हैं अगर उसमें फ्लक्चुएशन जो है वो रैंडमली हो रहे हैं। तो अब सपोज हमारा कोई एक सिग्नल प्रोसेसिंग का कोई सिस्टम है, जिसमें हमने कुछ इनपुट दिया एक्स ऑफ टी, और जिससे हमारा कुछ आउटपुट आना था वाई ऑफ टी, जो कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं अगर हमें इस सिस्टम की प्रॉपर्टीज के बारे में अगर पता हो। लेकिन जो रियल लाइफ में सिस्टम्स होते हैं वो इतने सिंपल नहीं होते हैं, आपको अगर उनका मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन अगर पता भी है तो भी बीच में नॉइज ऐड होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए नॉइज रिडक्शन टेक्निक्स सिग्नल प्रोसेसिंग में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको डेवलप करना अपने आप में एक बहुत बड़ा रिसर्च एरिया है। तो अगर आप कोई भी रियल लाइफ सिग्नल लें तो आपका जो एक्स ऑफ टी है ज्यादातर उसमें जो आउटपुट है वो नॉइज ऐड होके आएगा। तो उसका अगेन हम अगर एग्जाम्पल यहीं पे लेते हैं, जो हमारा एक्स ऑफ टी था और वाई ऑफ टी था, तो वाई ऑफ टी सपोज हमारा एक तरह का नॉइज है और एक्स ऑफ टी हमारा सिग्नल है। तो हम अगर एक नॉइजी सिग्नल अगर ड्रॉ करते हैं, हम अगर एक एक्स ऑफ टी ड्रॉ करते हैं विच इज अ नॉइजी सिग्नल, तो उसको ड्रॉ करने का बेस्ट तरीका क्या है कि पहले एक ओवरऑल एक ड्रॉ कर लो, जो एक ओवरऑल जो स्लोली वेरिंग सिग्नल है, फिर उसमें हमने रैंडम परटर्बेशंस हमने ऐड कर दी है। तो ये अभी हमारा जो नॉइजी सिग्नल है, नॉइजी सिग्नल इसलिए हमें ऐसे कह रहे हैं क्योंकि हम देख सकते हैं कि इस सिग्नल में एक नाइस वेरिएशन तो है ही, लेकिन साथ में बहुत सारे हाई फ्रीक्वेंसी के नॉइजेस भी हैं। अब हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ? हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ कि जो
ये जो नॉइस टर्म है ये बहुत रैपिडली फ्लक्चुएट कर रहा है, तभी हम इसे नॉइस कह रहे हैं। तो अभी हमें अगर इसको सिग्नल प्रोसेसिंग अगर करना है तो यहाँ पे ये नॉइस को रिमूव करना बहुत जरूरी है। तो इस नॉइस को रिमूव कैसे किया जाए, तो जो बेसिक टेक्निक होता है नॉइस रिमूवल का उसे हम कहते हैं नॉइस फिल्टरिंग। तो नॉइस फिल्टरिंग का मतलब क्या है, तो इसके लिए पहले फिल्टर का मतलब समझना जरूरी है। तो फिल्टर क्या होता है, फिल्टर वो होता है जो कि एक गिवन सिग्नल को लेता है जो कि नॉइजी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, उस सिग्नल के जो अनवांटेड कंपोनेंट्स हैं या जो अनवांटेड पार्ट्स हैं उनको वो निकाल के सिर्फ हमारे जो डिजायर्ड पार्ट्स हैं उनको वो हम तक पहुंचाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मोबाइल फोन। जैसे आप मोबाइल पे अगर बात कर रहे हैं तो आपके मोबाइल पे जो सिग्नल इंसिडेंट है वो कई सारे सिग्नल्स का कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि जैसे सपोज एक रूम में सपोज अगर दो लोग हैं और दोनों लोग फोन पे बात कर रहे हैं या फोन पे व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं या ईमेल चेक कर रहे हैं, तो जो दोनों के फोन में जो सिग्नल्स जो आने चाहिए या जो दोनों के फोन से जो सिग्नल्स निकल रहे हैं वो एक दूसरे के फोन पे इंसिडेंट होते हैं, लेकिन फिर भी आप उनकी बात नहीं सुन सकते और वो आपकी बात नहीं सुन सकते। ऐसा क्यों, क्योंकि आपका जो फोन है वो सिग्नल्स को फिल्टर कर रहा है। वो क्या कर रहा है कि जो टोटल सिग्नल्स इंसिडेंट हैं आपके फोन पे उसमें से वो अनवांटेड सिग्नल्स को फिल्टर करके सिर्फ वही सिग्नल आप तक पहुंचा रहा है जो कि आपको जिसकी जरूरत है। तो ये जो फिल्टर का कॉन्सेप्ट है ये सिग्नल प्रोसेसिंग में बहुत मायने रखता है। और जो नॉइस फिल्टरिंग होती है वो भी एक तरह का फिल्टर होता है जिसमें आप सिग्नल की जगह नॉइज को फिल्टर आउट करते हैं। तो नॉइज को फिल्टर करने के लिए जो बहुत जरूरी है कि वो आपको पता होना चाहिए पहले से कि आपका नॉइज किस तरह का नॉइज है। तो वी नीड टू नो द टाइप ऑफ नॉइज। ये टाइप ऑफ नॉइस क्या है और कितने तरह के नॉइस होते हैं इसके बारे में हम बाद में जानेंगे, लेकिन अभी के लिए आपके लिए ये जानना जरूरी है कि जो नॉइस है वो अलग अलग टाइप में आता है, और नॉइस को फिल्टर करने के लिए ये पहले से जानना जरूरी है कि नॉइस का टाइप क्या है। और ये जानना जरूरी क्यों है, वो इसलिए कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो सिग्नल है वो आपका एक स्लो सिग्नल है और यहाँ पे ये हाई फ्रिक्वेंसी नॉइज इंसिडेंट है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये जो हाई फ्रीक्वेंसी फ्लक्चुएशन जो हो रहे हैं ये नॉइज ना होके एक सिग्नल का भी एक पार्ट हो। यानी कि जो सिग्नल है और जो नॉइज है दोनों की प्रॉपर्टीज कई बार बहुत ज्यादा अलग नहीं होती हैं, तो अगर उनमें अगर थोड़ी सिमिलैरिटीज है तो उसी के लिए आपको नॉइज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या नॉइज की जो डिटेल प्रॉपर्टीज हैं वो जानना बहुत जरूरी है। तो अभी के लिए हम एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, एक हाई फ्रिक्वेंसी नॉइज सुपर इम्पोज ऑन लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, और देखते हैं कि आपको अगर इसे फिल्टर करना हो तो आप इसे कैसे करेंगे। तो सपोज हम इसी सिग्नल को दोबारा से यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, उससे थोड़ा सा अलग होगा पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे लिए बेसिक प्रिंसिपल को समझना जरूरी है, वो पर्टिकुलर सिग्नल हमारे लिए कोई खास मायने नहीं रखता है। तो अभी जो हमारा ये नॉइज है, तो नॉइस का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी तो हमने आपको बताया कि जो नॉइस होता है वो रैंडम डिस्टरबेंस होता है, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नॉइस की ये होती है कि यूजुअली इट इज जीरो एवरेज्ड। यूजुअली ऐसे कुछ नॉइजेस भी हो सकते हैं जिनका एवरेज जीरो जीरो ना हो, लेकिन ज्यादातर क्योंकि नॉइज एक बस एक रैंडम फ्लक्चुएशन होता है तो उसका जो एवरेज होता है या मीन होता है वो जीरो होता है। तो अगर आपके पास अगर नॉइज है जिसका एवरेज अगर जीरो है तो उसको रिमूव करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि जो हमारा नॉइजी सिग्नल है आप उसका आप एवरेज ले लीजिए। सपोज आवर वाई ऑफ टी इज आवर नॉइजी सिग्नल, जिसमें से आपको
एक्चुअल सिग्नल जो है वो वाई हैट ऑफ टी एक्सट्रैक्ट करना है, और जो नॉइज है वो एन ऑफ टी है। तो ये क्या है हमारा नॉइजी सिग्नल, और दिस इज द एक्चुअल सिग्नल जो कि हमें रिक्वायर्ड है, और ये है हमारा नॉइज। तो क्योंकि हमारे नॉइज का एवरेज जीरो है, हम वो अज्यूम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम अगर इस पूरे इक्वेशन का अगर एवरेज ले लेंगे तो हमें जो एक्चुअल सिग्नल है वो मिल जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं एवरेज ऑफ वाई ऑफ टी इज इक्वल टू एवरेज ऑफ वाई हैट ऑफ टी प्लस एवरेज ऑफ एन ऑफ। और क्योंकि एवरेज ऑफ एन ऑफ टी जीरो, वी गेट दैट एवरेज ऑफ वाई हैट ऑफ टी इज इक्वल टू एवरेज ऑफ वाई वाई ऑफ टी। अब यहां पे आप बोलेंगे कि हमारे पास ये प्रोसेस करने की वजह से एवरेज ऑफ वाई हैट ऑफ टी आया विच इज नॉट इक्वल टू वाई हैट ऑफ टी। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि आप एवरेजिंग जो कर रहे हैं वो आप किसी टाइम स्केल पे एवरेजिंग करते हैं। तो अब ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपका जो टाइम स्केल है वो बहुत अगर छोटा है, अगर आप बहुत छोटे टाइम इंटरवल पे अगर एवरेजिंग कर रहे हैं तो आपका नॉइज जीरो नहीं होगा, क्योंकि छोटे टाइम इंटरवल पे नॉइज की एवरेज जीरो नहीं होगी। अगर आप बहुत ज्यादा अगर बड़े टाइम इंटरवल पे अगर एवरेज कर रहे हैं तो आपका जो ये एक्चुअल सिग्नल है वो बहुत डिस्टॉर्ट हो जाएगा, और आपके पास जो आएगा वो कुछ और ही होगा, इट विल नॉट बी व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। तो सिग्नल प्रोसेसिंग में हम जब एवरेजिंग करते हैं तो वहां पे ये जो टाइम पीरियड, जो टाइम का जो चॉइस है, जिस टाइम स्केल पे आप एवरेजिंग कर रहे हैं वो ठीक से डिसाइड करना बहुत जरूरी है। तो जैसे इस पर्टिकुलर केस में हम देख सकते हैं कि हमारा जो ये नॉइजी फ्लक्चुएशन है ये इस टाइम इंटरवल पे हो रहा है, पर हमारा जो सिग्नल है वो करीब इस टाइम इंटरवल पे वेरी कर रहा है। तो हम अगर इस टाइम इंटरवल पे अगर एवरेज करेंगे तो हमारा जो नॉइज है वो भी एवरेज आउट होके जीरो हो जाएगा, और हमारा जो एक्चुअल सिग्नल है ऑल दो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस तो होंगे लेकिन फिर भी मोर और लेस वो ओरिजिनल सिग्नल जैसा ही रहेगा, उसके जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं वो लॉस नहीं होंगे। तो ये जो प्रोसेस है एवरेजिंग का, इसे कहते हैं स्मूथनिंग। सो स्मूथनिंग जो है वो एक फिल्टरिंग का एक बहुत एक सिंपल एग्जाम्पल है। स्मूथनिंग करने के कई सारे तरीके होते हैं जिनके डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, लेकिन आपके लिए बस ये जानना जरूरी है कि जो कई सारे जो सिग्नल्स होते हैं उनमें एक्चुअल सिग्नल प्रोसेसिंग लगाने के पहले उनको थोड़ा सा फिल्टरिंग और स्मूथनिंग करने की जरूरत होती है ताकि हम उसमें से हम नॉइज हटा सकें। और ये जो स्मूथनिंग है इसे हम एक तरह का लो पास फिल्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि लो पास फिल्टर क्यों, क्योंकि हमने हाई फ्रीक्वेंसी जो नॉइज थी उसको हमने हटा दिया है और सिर्फ जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है उसको हमने रखा है, इसीलिए स्मूथनिंग को आप एक तरह का लो पास फिल्टर भी कह सकते हैं। तो ये था एक बहुत ही बेसिक रुडिमेंट्री इंट्रोडक्शन नॉइज के बारे में। हम आगे कुछ मॉड्यूल में हम ये भी देखेंगे कि नॉइज किस किस अलग तरह के होते हैं और उनकी वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज कहाँ से आती है और उसकी वजह से आपके सिग्नल में क्या असर पड़ सकता है। थैंक यू।